वन फाइन डे शी केम, तो उसने मेरे को दिखाया, बोला अरे वो देख वो भी भाई है, बोला अच्छा ओके, बोला इंट्रो तो करवा, तो दिस इज हाउ ही मेड अस मीट, उससे बात बात कराए। 2008 सो यू गाइस हैव ओके यू गाइस नो ईच अदर सिंस 2008 यस अच्छा ओके उसके बाद फिर क्या हुआ शादी का क्या फिर फाइनली ये शादी करनी है ये कभी हो गया कि भाई वंस वी स्टार्टेड डेटिंग सो ड्यूरिंग आर एग्जाम्स टाइम वी यूज टू लाइक टॉक अ लॉट एंड वी यूज टू स्टडी टुगेदर सो एट दैट टाइम आई यू नो व्हेन यू स्टे विद अ पर्सन देन यू एक्चुअली कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट गाय इज और द गर्ल इज तो तब साथ में रह के वो केयरिंग नेचर फिर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना एंड देन यू नो द इन्वॉल्वमेंट टूवर्ड्स ईच अदर वो बहुत बढ़ गया था वो टाइम पे एंड यू कैन से आई व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग विभा मीट माय कजिन्स एंड ऑल तो यू नो द वे या फैमिली का या घर वाले हाँ सब लोगों को एक पॉजिटिव ओपिनियन सबसे आया So then I felt, yeah, everyone is okay, so I should go ahead. Pursue this. Yeah. Okay. तो फिर तो second thought वाला नहीं आया कि जब झगड़े होते थे तब आता था. Sure क्या? Sure. अभी भी अब chance है, अभी chance है. Cancel लेके cancel back out पारे क्या? पर ऐसा कोई stern thought कभी नहीं आया. इसमें ऐसा ऐसा कुछ है नहीं. खाली कभी कभार जब मुझे गुस्सा आता तब वो भी कभी कभार होता है बाकी इट्स लाइक सीम्स टू बी अ सेटल्ड वुमन अदरवाइज या या बाकी ऐसा है कि मतलब दोनों एक ही टीम में खेलते हैं बैटिंग बॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता अब लव मैरिज में एटलीस्ट दिस थिंग इज देयर कि बाबा कि यू आर लाइक हां ठीक है घर वाले बोलते हैं देख लो बाद में हमको मत बोलना तुमने खुद से अपनी मर्जी से शादी करी अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है पर मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत जल्द होने वाला है शादी के बाद अच्छा घर वाले एक बार मान के हाँ बोला मेरे घर वालों को पहले से डाउट था कि इसका पवई आना जाना बहुत है तो कुछ ना कुछ सीन चल रहा है हाँ, कैजुअली जस्ट मॉम के बैठा था तो मेरा मम्मी मेरे को लड़की पसंद है वो फोटो वोटो दिखाया तो दैट टाइम मॉम भी काफ़ी चिल्ड आउट थी जरा दिखा फोटो हाँ हाँ मम्मी मम्मी पहले पापा से बात करना ना प्लीज़ क्योंकि डैड से तो हिम्मत नहीं होती तो बोला मम्मी से कोशिश करते देखते क्या और मेरे को हमेशा से ऐसा था कि माई डैड वुड बी देयर अच्छा एकदम मस्ती में ऐसे बोलता हूँ कि मेरी है एक दोस्त गर्लफ्रेंड है करके ट्राई मारने में क्या आता है गुस्सा हुई तो बोलो अरे टाइम पास करो मैं थोड़ी शादी करने वाला हूँ सेफ्टी हाँ सेफ्टी के लिए तो ऐसे ही ट्राई मारा तो मम्मी एकदम कैजुअली हो गई मेरे को बोल रही और फोटो दिखा और दिखा जरा बोला अरे बाप रे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही तो फिर बोला अब बोला अब मिल रहे इजी बॉल तो छक्का मार देते मम्मी जान दो जान दो जान दो जान दो तो बोल दिया मम्मी देखो अगर आपको ठीक लगे तो आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं शी स्टिल लव्स मी बट वो टाइम पे तो उन्होंने सबका ब्रेन वॉश करा और माय सिस्टर इज लाइक द डोमिनेंट फैक्टर इन द फैमिली मतलब बस कह दिया तो वो होना ही चाहिए भाई हुको भाई क्रूक तो उसने काफ़ी कन्विंस किया और मेरे पीछे जाके बातें की सब बोला कि अरे नहीं लड़की अच्छी है फैमिली को लेके चलेगी आप लोगों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसने ही धीरे धीरे करके ग्रैंडफादर को डैड को कन्विंस किया एंड मतलब मुझे कुछ मेरे साइड से ज़्यादा एफर्ट्स लगी ही नहीं ज़्यादा एफर्टलेस हाँ, पता ही नहीं चला लगी कि नहीं, कब हो गया बराबर है ओके और सामने साइड में कन्विंस करने में क्या साल और मतलब आज से देखेंगे तो 2.5 साल तो पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे भाग गई थी पुणे मुझे नहीं रहना मामा मैं पुणे मतलब वो क्या था कि घर वाले शादी की बातचीत करना शुरू कर लिए थे तो विभा का ऐसा हुआ कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कि पुणे में शिफ्ट होना है तो शी केम एंड डिस्कस विद मी मेरा भी नासिक में चालू हो रहा था तो मैं भी नासिक जा रहा था पवई से पुणे हो गया ये भी पवई से पुणे जा रही थी तो बोला देखो ऐसे भी मैं नासिक में रहूँगा तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं मिल तो पाएंगे तो इट्स बेटर यू हैव अपॉर्चुनिटी अकेले कभी रही नहीं हो रह के देखो भी घर से दूर रहोगे थोड़ा टॉर्चर भी कम होगा तो दैट वॉज अ पॉजिटिव पॉइंट दोनों का साथ में हो गया था दोनों साथ में बाहर चले गए थे मुंबई के तो वो टाइम पे विभा के साइड पे बहुत इशूज हुए थे बिकॉज हर पेरेंट्स वर लाइक टोटली अगेंस्ट लव मैरिज
अगेंस्ट लव मैरिज एंड अगेंस्ट टाइम मुझे भी फोन करके बोला गया कि आइंदा नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं करना है। आई रिमेंबर दैट स्टोरी व्हेन यू वर लाइक अभी नहीं बोलना है, अभी बात नहीं करना है, अभी बात सब सुन लो, विभाग के पापा हैं, सुन लो जो बोल रहे हैं, हां आप मेरे पास बात करो अंकल, तो मेरे वो मेरे को गाली दे रहे दे लो दैट स्टोरी। तो वो सब चीजें हुई थी, पर ठीक है पार्ट इन पास हैड टू हैपन। कौन से महीने में फाइनल हुआ? फाइनल आई सपोज it's, I didn't have much time to wait and to get married to her because already now it's been what seven and a half years. So ज़्यादा stretch भी नहीं करना था और same उम्र के थे तो ज़्यादा रुक भी नहीं सकते थे। तो last 2014 September या October में finally घर वाले माने। 14 में और उसके dad चाहते थे 15 January में शादी हो जाए, but then somehow दोनों फैमिलीज मिले, बातचीत हुई एंड डिसाइड हुआ 2016 जनवरी। ओके, सो दिस हाउ इट वेंट। बट लेकिन सच्ची डेढ़ साल से कोशिश कर रहे थे, वो और एक साल कर लेते अगर नहीं मानते तो। अगर कि उन्होंने विभा के लिए लड़के देखना भी शुरू किए थे, एक को विभा मिलने भी गई थी, तो विभा ने मेरे को बोला मेरा क्या है घर वाले चाहते हैं मिल के आ जाओ, कौन सा तुमको हाँ बोलना है शादी करना है, जाओ मिलो एक नए दोस्त को मिलो उसके जरा जाके बातचीत करके आ जाना वापस, जब फैसला देने का टाइम आएगा तब बोल देना मेरे को नहीं करना है। तो सुनो सबकी करो खुद की। हाँ तो घर वाले ने बोला, गए मिले सब, वापस आए मेरे को बताया इससे सब डिटेल में बताया ऐसा ऐसा हुआ, बोला ठीक है तो अब जब भी घर वाले बोलेंगे बोल देना मेरे को नहीं करना है। तो बाद में बोले क्यों नहीं करना है, तो इससे बोला आपको पता ही है क्यों नहीं करना है। तो तभी भी और झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बाद में देन अगेन विवेक एंड विनीत काफ़ी इन लोगों का रोना धोना हुआ, फिर देन विवेक एंड विनीत समझाया कि वो करना चाहती है, क्यों नहीं रोक, क्यों आप लोग कर नहीं रहे हो, आप लोग देखो कौन सा जनरेशन आज चल रहा है, आप लोग कौन सा जनरेशन में जी रहे हो, आजकल लव मेरे कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई, आपकी लड़की एंड खुश रहनी चाहिए ना, तो उसके खुशी से करवा दो ना शादी जहाँ पे वो करना चाहती है। वन हु सपोर्टेड, अगर कभी मेरी गलती होती थी तो मुझे समझाता था, कभी विभाग की गलती थी तो उसे समझाता था, अगर हम लोग का झगड़ा होता था तो ही हैड अ मेजर रोल फॉर द पैचअप अगेन, कि भाई झगड़ा बातचीत नहीं करे तो चुपचाप से मेरे को उसके घर पे बुलाएगा, चुपचाप से विभाग को बुलाएगा, मैं विभाग को देखना नहीं चाहता हूँ या विभाग मुझे देखना नहीं चाहती, आइदर ऑफ इट वी डोंट टॉक टू ईच अदर, बट अब घर पे हैं तो बात करना ही है। तो यूज़ टू बी द मीडिएटर जो अरेंज मैरिजेस में होता है ना, क्या आप दोस्ती कराओ, फ्रेंडशिप कराओ, हाथ मिलाओ कराई है, बाकी जो मेरे घर पे भी जो लीनियंसी हुई है उसके कारण ही वो उसके कारण ही हुई है, क्योंकि मेरी जब मेरी रियल बहन की शादी हुई थी, सगी बहन की तभी विक्की विभाग को लेके शादी के टाइम पे सबको सबके पास मिला रहा था, सबके आके पैर छुआ रहा था, सब बोले कौन है, बोले आपकी बहू है बहू है, तो सबको क्या लगा कि विक्की की रहेगी कोई, बाद में एंडिंग में सबको बोल दिया अरे बाबा मेरी नहीं है कुणाल की है अंदर जो एक दिखाना था कि विवाह है एंड कुणाल एंड विवाह टुगेदर, तो उसमें भी विक्की का मेजर रोल था। ओके ठीक है। कितने दिन का ट्रिप है? 11 दिन। अभी गिफ्ट क्या दिया? अभी विवाह को कुछ गिफ्ट दिया फाइनली एंगेजमेंट पे? एंगेजमेंट पे नहीं दिया अभी। अच्छा, शॉपिंग कौन ज्यादा करता है? विवाह ऑब्वियसली, विवाह इज द वन हु इज अ शॉपाहोलिक। तो आपके कपड़े? मेरे कपड़े मैं कभी कभार उसके साथ लेता हूँ, मैक्सिमम टाइम आई प्रेफर माय मॉम टू कम विद मी, पता नहीं बचपन से आदत है, वो है ना वो बचपन वाली बात, बचपन से आदत है कि मम्मी के साथ जाना, तो आज भी मम्मी के साथ ही अच्छा लगता है कि शॉपिंग करना। फिर अभी घर जाकर के फिर मॉम और चूज करने वाला ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं आएगा जो वीडियो में? वैसा तो मेरे को लगता नहीं है वैसा कभी आएगा, बट विवाह को वो चीज़ मैं पहले से समझा दिया हूँ कि मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, और क्या है एड ऑन फैमिली भी है, और ऊपर से मेरे माँ बाप है या जो भी बड़े हैं हम उनको समझा नहीं सकते, हम उनको उनके आर्ग्यू नहीं कर सकते और उनको नहीं बता सकते सही क्या है गलत क्या, उन्होंने कई टाइम गलत भी रहेंगे, हमको तभी मैच्योरिटी दिखानी और भूल जाना है। तो मेरे हिसाब से विवाह ऑल्सो क्वाइट मैच्योर, शी अंडरस्टैंड दैट थिंग, और कभी वो सब चीज़ों के वजह से इशूज़ होंगे नहीं, छोटे मोटे होंगे तो मैनेज कर लेंगे। My God, you are specific about months and days. You are the person like months, days, hours, seconds. No. That's Kunal. Okay, Kunal. Okay. How did you guys meet up actually? Randomly.
He was new into college. He wanted yeah. to meet you up and then he planned to meet you. That was like patao fang wala scene. But yeah, we just met up as in random. He was a new guy in the college. Okay. Where did he come from? College se. Nahi, kaun se college se? Aap college mein hi tha? Nahi, mere college mein nahi tha. He was in Jush. Kaun sa tha? I don't remember. Shit, you do not remember. This is being recorded. Record karega bhi nahi kar kare. Acha. To nahi because yeah. just quickly like dummy run. Ki which college was he from? I don't know. I don't remember college. The name. Na. Okay, and which college were you in? I was in Chandrabhan Sharma. Acha. So he came to Chandrabhan Sharma. No, no, no. We were in Kalina, Alkesh Dinesh, Admis. Okay. So it was during bachelor's days. Kunal was supposed to go for pilot thing, but he didn't went because certain thing didn't happen, and then he used to, then he came to our college. I was in second year, he joined in second year, and then we met up like we were friends, and then suddenly chalu bhai uska scene. Like he was plan karke mila fir wo plan kiya fir wohi sab plan sare schedule kiya kaise vibhag ko patana hai wagera wagera. और फिर when did like when did you finally get put out of fight? You were friends पहले? We were not actually friends. नहीं? जी सब झूठ बोला उसने? मैं बोला 3 साल तक हम दोस्त रहे उसके बाद जाकर के हमारे हमारा no nothing like that. तब्दील हो गया अरे मतलब पूरी I think I knew Kunal from 1st August. Within 7 days we start dating. So 7th of August who 2008. Kunal or you? Who was both of us were so involved. You yeah, maybe it. Like that. Okay. So 7th of August, but just 7 days, and we just started dating within 7 days. Okay. And that point of time, he was not in your college. He was not in your college. He was in my college. I used to not go to no Admis. Admis. Acha, you were. ने स्टोरी बताई थी कि पूछा था कि भाई कॉलेज में कोई अच्छी लड़की है हां यार यार विवाह तो है पर वो आती नहीं है हां आई यूज्ड टू नॉट गो टू कॉलेज मे बी ही जॉइन कॉलेज आई सेड कि या बट आई यूज्ड टू नॉट गो टू कॉलेज आई यूज्ड टू नॉट लाइक हाउ डिड यू लाइक स्टार्ट डेटिंग हिम देन फाइनली देन वी वेंट फॉर अ पार्टी ही आस्क्ड मी आउट फॉर अ पार्टी टू अ क्लब विक्की की बर्थडे पार्टी एंड देन बहुत सारा था यार बहुत Oh God, it was very bad. I was in real love with Kunal. Not eat anything, not drink, nothing. Kunal ka naam sunte hi, I used to be like horrified. Oh my God, is he calling? Is he calling? And whenever he used to call me up, I used to just show off attitude. Damn attitude, damn boy. that thing when a girl is looking, she's looking like the guy like this, and the guy is looking, she's like. Yeah, same thing. Same thing. And then it started on 7th of August. 7th of August 2008. Okay. And when did you really think ki mujhe Kunal ke sath shaadi karni hai? Kunal ladkiyan to matlab na aise pralay bhi aaye bolenge nahi mere ko nahi bhagna mere ko idhar hi rehna mere ko jana hi nahi hai. Bhai main bacha ke le jaunga. Nahi nahi mere ko idhar hi rehna mere ko aisa nahi jana hai. How did you say, "Bhai, nahi, I want to marry you"? Guy can say, "I can marry you." Guy says, "A nice girl, happy. She'll keep me happy. She's nice. She takes care of me. She's like my mama. And she's like a number of things sorted." Bandiya toh haan bolti nahi hai. How did you like just see? Nahi, Kunal is very nice by heart. As in, he's very family oriented. I like that. He's very caring. He's very obsessive about his things. Maybe his cars. Maybe his glare, shades, whatever thing that he has, he's very obsessive. Same goes yeah. for me. Yeah, same goes for me. So he picks I, up fights for you. Says. Huh? He picks up fights for you. Says. Yeah, says. Yeah, says. Yeah. How many people he has beaten up for you? Nahi. As in, I'm not that kind of girl. Ki, you know, jaake. No, but. नहीं 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 वो खाली कुनाल ऐसे हमारे कॉलेज में जब मैं एमबीए में थी तो हुआ था एक सेकंड एक लड़का मेरे को बहुत छेड़ता था कुनाल बस गाड़ी से उतरा और उसको देखा
that guy was like, okay, I should not mess with this girl right now. Because Kunal ki personality is like that, na? So that guy, tab se haan, chilled out ho gaya. So uski puri sensitivity ghul ho gayi. Okay, this comes with the attachment aur ye file kholunga to padegi. Okay. So, you are sorted ki Kunal se shaadi karni hai. रिलेशनशिप के टाइम तो ऑफिस में नहीं फाइनल हुआ कि हाँ करनी है ये ही इसके साथ में ही करनी है. इवेंचुअली वो धीरे धीरे आ गया. इट वॉज इन द स्टार्ट आई सी सी फॉर मी इट वॉज लाइक व्हेन आई एम इन टू रिलेशनशिप आई विल गिव माय होल एंड सोल टू वन पर्सन. व्हाट्स द सन साइन? लिब्रन. व्हाट्स कुनाल? वर्गो. कुनाल इज मोर इमोशनल. आई एम नॉट दैट इमोशनल. नो वंडर ही इज लाइक family like, yeah. family bonding. He loves his family, friends. I'm sure you like and that part. Yeah, I love that part. So, family comes to family. Kunal's family was okay with you in day one. Your family was it was very difficult. I'm very impact right now. I'm very scared. I'm like, okay, I should just act invisible because uncle is passing by and you know something like okay. I'm very scared. I was like very shy girl at my place. जो मम्मी डैडी बोलते थे वही करती थी, वही पहनती थी. मम्मी बोलती थी बैठ जाओ तो बैठ जाती थी, उठ जाओ तो उठ जाती थी. Maybe Kunal did it. I don't know. I was very good girl. Your family is conservative? Yeah, they are. You wear skirts at home? No. Your dad saw you coming out of the house right now? No, but he's okay right now. पहले बोलते थे, अब जब से हो गया है तो कभी कभार हाँ सुना देते हैं. कौन? अब तुम हमारी property नहीं हो, जाओ तुम हो, तुम दूसरे के घर की बहू हो. Least bother. मैं least bother. Yeah, so but घर में फाइनल कैसे हुआ? यू सेड दे सेड नो. दे सेड नो देन आई मूव टू पुणे फॉर एन ईयर टू गिव देम अ ब्रेक फ्रॉम मी. आई हैव हर्ड अनदर स्टोरी व्हाई डिड यू मूव टू पुणे? आई नो देयर वाज माय जॉब. माय जॉब वाज द सेकेंडरी पार्ट बट मेनली आई वांटेड टू मूव बिकॉज़ आई नीड देम टू गिव मी अ स्पेस. यू नीड सम स्पेस दैट्स फाइन बट समबडी वाज क्लोज टू पुणे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हू? नो Kida tha wo Kunal usse? Nasik is not close to Pune. It's far. Still far. Because you know the main reason Kunal was moving to Nasik, so I was like, what I'll do in Mumbai? Forget it. I'll also go to Pune then. And then mommy daddy ka to theek hai yaar, jhanjhat mera kam hoga. Kunal ne bola, bahut sar kapate. Pehle wahi aata tha main ghar wale bolte povai abhi Pune. सबसे बड़ा झूठ बोला है वो खाली तीन बार पुणे आया है पूरे साल. उसने बोला कि मैं स्वेयर वो भी जब झगड़ा हुआ था तब आया था. झगड़े में यू डू नॉट टॉक टू हिम फॉर 5-10 डेज. कुणाल डज दैट. कुणाल से कुणाल Can you look at me? No, I never get angry. It's that guy. Really? He looks so like a sob. He is not at all. He is one angry young man. Yeah, but angry young man with a heart. So he was like, he was telling this thing. Yaar, Vicky ke karan hamara relationship chala gaya. Aur jab bhi wo na, oh crap. Usko bahut attitude rehta tha. Bola usne ki dekh, main kabhi kabhi main gussa mein aa jata hu. पर मेरा गुस्से का ना वापस इंपैक्ट मेरे ऊपर निकलता था क्योंकि वो 10 दिन बोलती थी मैं बात नहीं करूंगी शक्ल मत दिखाऊंगी. तो 5 दिन के लिए मतलब आई हेट यू. दो बार मैंने किया था क्योंकि वो मेरे को बहुत इरिटेट किया था. तो विक्की और कुणाल मेरे को ऑफिस के वहां पे मनाने आए थे. मैक्सिमम कितने दिन बात नहीं किया? मैक्सिमम कुणाल से नॉट मोर देन 10 डेज पर सेंस 7 इयर्स नॉट मोर देन. उसने बोला कि ये तो कॉमन था 10 दिन तो मतलब मैं इंसान बिलकता रोता रहता था मतलब लेकिन हैशटैग कोई नो नो I think twice, I not more than that. Vibha looks so cute and serene and subtle. No! Like, cute, understood, subtle, understood. She's not, she makes me bleed. I'm in pain. I don't talk about 10 days. I literally eat food, drink food. Oh, no. You're cheating. Who is eating food? Two times. जब मैंने उससे फाइनल ब्रेकअप किया ना उसने बोला कि मैंने वो तो आराम से बिंदास नहीं थी और मैं खाना नहीं खाता. कुणाल इज मोर emotional. Whoa.
ओवर हिम यार, मतलब यू डिड दिस टू हिम एंड ही स्टिल लाइक कि नहीं मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा. नहीं कुणाल तो फाइनली घर वालों ने कैसे माने? अचानक ही मान गया यार. अचानक आई डोंट नो, आई डिडंट इवन आस्क देम. सुनने में आया कि मतलब दे वर लाइक कि भाई नहीं. हां 1.5 years before that I was calling, I used to ask Kunal, Kunal I'm going to meet guys. तब हम लोग बोलने ही वाले थे तो मम्मी डैडी को एक ऐसे पसंद भी आ गया था. तब जाके मैंने मुंह खोला, मैंने बोला चलो बोल लेते हैं. मुझे नहीं पता था इतना ड्रामा होने वाला. ओह गॉड, डोंट आस्क. नो नो नो, रेनेसेंस में मिले थे सीसीडी में. क्या हुआ? कुछ नहीं, मिल गया था, जाके मिल गया, दोस्त से मिल करके आ जा. नहीं नहीं नहीं, हां वो तो कैजुअल मीट था. मना कर दिया. फिर वो लोग प्रेशराइज करने लगे. तब भैया ने बोल दिया जाके. मैंने भैया को बोला, फिर भैया ने बोल दिया. भैया भैया वाज द वन पिलर. या भैया वाज द वन पिलर बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम गेटिंग मैरिड टू कुणाल. विनीत का तो बात नहीं सुनेंगे अभी. विनीत इज वेरी किडो यार. या ही इज टू फ्लैम्बॉयंट टू बी टेकन सीरियसली राइट नाउ एट होम. सो हां भैया वाज द वन हु फॉट फॉर अस. Otherwise, like, I would. Seems like a caring brother, like you know, कि हाँ. वो भी sometimes. I'm more close to Vineet. भैया भैया doesn't have time for us. Too busy. हाँ too busy. तो ऐसे तुम्हारी पटरी पास करा रहा है. I'm sure he is in queue. He's like तू निकल जब है ना उसके बाद मुझे है किसी और के संग रहना. हाँ वैसा ही कुछ है. है ना? Because I heard you saying कि कुछ लोग तो बताते ही नहीं है क्या सीन है. घर पे बताते ही नहीं है. वैसे ही कुछ था. He's acting like a pacifier कि भाई एक बार मैं कर लूं. हां फिर मैंने भी पूछा नहीं क्योंकि आई डोंट वांट टू डिग अगेन द सेम थिंग. क्यों मम्मा क्यों? अच्छा अच्छा ऐसे भी शायद आंटी बहुत ज्यादा रोना धोना करती थी. बहुत आंटी मतलब आंटी कैन स्वीप यू बाय योर फीट. मतलब आई केम दैट डे एंड आंटी लाइक अरे बेटा. एंड आई एम लाइक अरे आंटी अब तो छोड़ो मैं क्या पैसे की बात करूं. मैं तो बस बताओ क्या करना है. घर की शादी है. मैं मानूंगा विवेक मेरा दुभाई है दोस्त है. उसकी बहन की शादी अपने घर की शादी है. विल डू इट लाइक दैट. बट आंटी इज अ स्वीट हार्ट. या ये लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि शादी के लिए कंफर्म कभी बुलाया लोगों ने? लास्ट लास्ट 2015 अप्रैल फेब में. आई डोंट रिमेम्बर बट मोर देन अ ईयर. 2015 में 2014 में 2014 ड्यूरिंग दिवाली टाइम. अगस्त सितंबर ड्यूरिंग दिवाली टाइम. ओके तो 2014. वन क्वेश्चन, व्हाई डिड यू गाइस रिस्क इट फॉर 1.5 years गेटिंग मैरिड? बिकॉज़ कुणाल खुद नहीं यार. फिर से मना करते मैंने वो बूट बदल दिया है. एक्चुअली माय मॉम एंड डैड वो लाइक यू शुड गेट मैरिड विद इन 2 मंथ्स बट कुणाल नीडेड अ टाइम. ही वांटेड टू सेटल अप फर्स्ट एंड देन गो फॉर मैरिज. ओके अभी क्या सीन है? आई एम ओके फाइन. एक्साइटेड सब कुछ? हां सब अच्छा है. चल घर भी सब सेटल हो गया एकदम आराम से. फिर कहाँ जा रहे हैं? अलीबाग? नहीं कुछ भी नहीं होगा यार. कुछ तो होगा, गुस्सा होगा, टीचर होगा. नहीं हाँ वो है लेकिन कभी कभार है. दैट डजंट मैटर टू मी. कुणाल का कुणाल इज लाइक वेरी इमोशनल. ही गेट्स कैरिड अवे विद हिज फ्रेंड्स. 31st का स्टोरी. या and I don't like that. There should be a distance that you know he needs to maintain, which he doesn't. Because of that, बहुत issue होता है. Friends में, family में. Family में तो काफी कम, but friends के वजह से बहुत होता है. Okay. That's what I hate. कोई बात नहीं. You will take over. I am sure about that soon story. So we are good to go. Let's